Right? That's we have. And once you have a positive attitude, you know, you are innovative also. Dhirubhai Ambani kya the? He was just a mere clerk in Adam. रियाल को वो कन्वर्ट करते थे सिक्कों को और पैसे उससे कुछ पैसा जमाया देन ही केम टू इंडिया एंड सो ऑन एंड टुडे यू नो दे आर हिज सन्स दे आर डूइंग वंडरफुली वेल. तो कौन था ध्रुव? ही वाज और फर्स्ट एक जनरेशन में उसने ये करके दिखाया. नॉर्मली हम कहते ना कि पेड़ कोई लगाता फल कोई खाता है, लेकिन ये वो परिवार है जो कि ग्रास रूट से चला है. एंड अनिल इवन आफ्टर पार्टीशन मुकेश और अनिल दे आर डूइंग वंडरफुली वेल. ठीक है, व्हाटएवर देयर पर्सनल राइवलरीज मे बी, व्हाटएवर देयर, ये हमेशा होता है भाई. आप भी जो है पाकिस्तान की पिटाई हो तब खुश होते हैं भाई. क्रिकेट में अगर पाकिस्तान हार जाता है तो आप खुश होते हैं, बहुत बढ़िया हुआ. अमेरिका हारे ना हारे कोई मतलब नहीं, जिसको आप जानते हैं उसके लिए. सो दैट्स व्हाई आई से दैट ऑल राइट, वी हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड एंड वंस यू हैव ए पॉजिटिव दैट हैव द पैशन एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड विद पैशन विल मेक यू वंडरफुल. वो जुनून आप में होना चाहिए कि मुझे कुछ करके दिखाना है. और मैंने जैसे आपसे अर्ज किया, मैं 120 में से या 100 में से, सभी को नहीं समझता कि वो कर पाएंगे, करें ना करें, लेकिन अगर आप में से दो तीन भी इस बात को ले लें तो शायद यू नो यू विल डू बेटर इन लाइफ एंड विल बी टू हैप्पी एज टीचर्स. यू नो दैट ऑल राइट, माई कमिंग ओवर टू दिस प्लेस हैज टू वंडरफुल. देन यू नो द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डेवलप ए कम्युनिकेशन एबिलिटी. दैट इज मोस्ट ऑफ आवर एमबीएज लैक. Because you know the spectrum has been made so wide. Everyone is doing his MBA. Let him do it. But at the same time, let us strengthen also. Because when you have MBA, when you have done it, your expectation will increase. Some of you are doing a job, some are thinking, so expectation increases. But to match that expectation, this will give you educational qualification from IIT Ghaziabad. लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने आप को भी डेवलप, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं, जिसमें तीन बातें हम कहते हैं, लुक्स, योर एक्सप्रेशन, हाउ यू ड्रेस अप, देन योर एक्शन, हाउ यू बिहेव, एंड देन ऑफ कोर्स हाउ यू पुट योर वर्ड्स, यू नो कैसे आप कोई बात कहते हैं, सही बात जो बात माने. जैसे आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, हाउ डू यू से इट. नाउ देयर आर टू फ्रेंड्स इन ए चर्च, सेम बात को आप डिफरेंट तरीके से, उसका मतलब दूसरा हो जाएगा, यू मे नॉट गेट इट. सो दैट यू हैव टू डेवलप. सो देयर आर टू फ्रेंड्स इन ए चर्च, वन फेल्ट लाइक स्मोकिंग, यार यार तलब आ रही है, लेट मी हैव ए पफ, है ना, होता है, शराबी को शराब की तलब आती है, पीने वाले को, तो उसने कहा यार तलब आ रही है, बट द फादर वाज देयर, तो उसने कहा लेट अस आस्क फादर वेदर आई कैन स्मोक. So, all right, father is there. I hope father is there. But jo unka priest hai, he is there. You go and ask him. He said, he went to him, okay, I will go to him and ask father. He asked, father, can I smoke while praying? Oh, son, no, 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 nothing. Christ will be too unhappy. His question was, can I smoke while praying? Hey, nothing doing. सेकंड ये आपने ठीक नहीं पूछा इसे. सेकंड आई विल जस्ट गो एंड आस्क फादर. सेड फर्स्ट नो टू हिम. ही सेड फादर कैन आई प्रे व्हाइल स्मोकिंग. बाय ऑल मींस यू कैन प्रे एनी टाइम. तीन वर्ड्स हैं आपके, कैसा कहते हैं आप, किस. तो ये कम्युनिकेशन एबिलिटी आपकी जो है बहुत परफेक्ट होनी चाहिए. आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए, प्रमोशन के लिए जाते हैं, क्या ड्रेसअप करके आते हैं. जैसे यहाँ आप सब प्रोफेशनल हैं, यू आर एमबी, हाउ यू आर ड्रेस्ड अप. बड़े बड़े लोग आए हैं, आपको भाषण देंगे, मालूम है बाहर ही घूम रहे हैं, टीचर अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ. आपको ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे धकेल रहे हो अंदर जबरदस्ती. अरे भाई, दे आर नॉट इन मूड, भाई धकेल देम, गेट देम लॉस्ट, दे आर नॉट फिट फॉर एमबी. ये आप में होनी चाहिए तमन्ना कि टीचर तुम्हें उसको चाहते हो गेट लोग साहब ये क्वेरी है हमारी, ये सॉल्व करिए. आई रिमेंबर माई सन शरद, the second son. I was living in Shri Ram College of Commerce. कोई दोस्त अगर गलती से आ जाता घर पे तो पहले वो सवाल पूछ देता, पहले तैयार रखता था बेटा. अंकल भगवती प्रसाद जी इनकम टैक्स वाले, अंकल ये है बताओ.
वो कह के, मैं कह चाय पहले पहले इस क्वेश्चन सॉल्व कर। तो टीचर ये सोच के आता था कि अगर एसएन क्या घर जाएंगे सत्यनारायण तो हिज सन विल बी आफ्टर हिज लाइफ एंड देन यूज टू फॉलो अप। उन्होंने कहा कोई बात नहीं पापा, आई विल आस्क यू लेटर ऑन, नो प्रॉब्लम, बट ही यूज टू गिव हिज करियर। वो आप में मनाओ जिज्ञासा जिसे कहते हैं, जिज्ञासा। अब तो देखते हैं मोबाइल बात करें निकल जाओ यार कहाँ से, दाएं बाएं निकल कर, ये नहीं। तो जब तक आप में जिज्ञासा नहीं होगी, जब तक आप में कर्मठता नहीं होगी, जब तक आप तक पैशन नहीं होगा, यू विल नॉट बी इन पोजिशन टू कम अप। एमबीए और नो एमबीए, इट्स हार्डली मेक्स। इनिशियल में आपको एडवांटेज हो सकता है, आई एम अहमदाबाद का अगर एमबीए आता है, आई एम कलकत्ता का आता है, तो दे मे हैव एन इनिशियल एडवांटेज, बट आफ्टर वन और टू ईयर्स यू नो whether it is from IMT, whether it is from DIAS, whether it is from anywhere else, you know, it is the work which counts. तो ये आप याद रखिए कि that is you have to have those qualifications that you have.